Hey guys, मैं हूं आपका इंफोटेनर जेड एंड वेलकम बैक टू जेड फैक्ट्स। और आज मैं आपके लिए 20 ऐसे रैंडम फैक्ट्स लेके आया हूं जो आपके होश उड़ा देंगे। पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने कभी ना कभी प्रिंगल चिप्स जरूर खाए होंगे, और ये चिप्स पैकेट की जगह एक कैन में आते हैं। और ये चिप्स इतने फेमस थे कि प्रिंगल्स के क्रिएटर फ्रेडरिक जे बॉर की अस्थियों को एक प्रिंगल कैन में रखा गया है। आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 के अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री चांद या किसी और प्लैनेट पर अपना राज नहीं कर सकती, चाहे वो कंट्री पहली कंट्री क्यों ना हो, वो सेलेशियल बॉडी पर जाने वाली। एक शार्क और गाय में से ज्यादा डेंजरस कौन है? वेल, आपका कॉमन सेंस बोलेगा ऑफ कोर्स शार्क, बट इट टर्न्स आउट हर साल शार्क सिर्फ 5 लोगों की जान लेती है, वाइल काओ एक साल में लगभग 22 लोगों की जान ले लेती है। इसका मतलब आपके एक शार्क से ज्यादा गाय से मरने के चांसेस हैं। आपने कंप्यूटर कंपनी HP का नाम तो सुना ही होगा, जिसका एब्रीविएशन है ह्यूलेट पैकेट। सो जब विलियम ह्यूलेट एंड डेविड पैकेट ये कंपनी लॉन्च कर रहे थे, तो वो एक कंफ्यूजन में थे कि आखिर किसका नाम कंपनी के नाम में पहले आएगा और किसका बाद में। और ये डिसीजन उन्होंने कॉइन टॉस करके लिया था एंड विलियम ह्यूलेट जीत गए थे। क्या आपको पता है कि आउटर स्पेस की महक अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉट्स डीजल और बारबेक्यू जैसी होती है? ये स्मेल मरते हुए स्टार्स की वजह से प्रोड्यूस होती है, जो बहुत सारे मेटालिक कंपाउंड स्पेस वैक्यूम में रिलीज करते हैं। आप अपनी रोजाना लाइफ में तो चलते ही होंगे, पर क्या आपको ये पता है कि आप अपनी पूरी जिंदगी में इतना चल लेंगे कि आप हमारी पृथ्वी के 5 चक्कर काट सकते हैं? कभी कभी बहुत बढ़िया गाना सुनते वक्त आपके रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्रेन उस टाइम एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, जो कि है डोपामीन, और जिसकी वजह से हमें खुशी मिलती है। एक लाइटनिंग बोल्ट में अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन वोल्ट का करंट होता है, और लेक मैराकाइबो जो कि वेनेजुएला में है, दुनिया में सबसे ज्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक्स यहीं पर होते हैं। ये एस्टिमेट किया गया है कि यहाँ पर हर साल 40,000 लाइटनिंग स्ट्राइक्स होते हैं। 1992 में समुद्र में 29,000 रबर डक्स खो गई थी, और वो रबर डक्स आज तक दुनिया के कई अनएक्सपेक्टेड जगहों पर मिले जा रही हैं। आपकी आंखों का कलर क्या है? ब्लैक, ब्राउन, ब्लू? वेल, अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसकी आंखें ग्रीन है, तो उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलिएगा, क्योंकि पूरी दुनिया के लोगों में से सिर्फ 2% लोगों की आंखें ग्रीन है। क्या आपको कभी ब्रेन फ्रीज हुआ है? वेल, ये तब होता है जब आप एकदम से कुछ ठंडा खाते हैं और आपके सर में एक शार्प पेन होता है। एंड टर्न्स आउट ब्रेन फ्रीज का एक साइंटिफिक नेम भी है, जो कि है स्पिनोपैलेटाइन गैंग्लियो न्यूरोलजिया। पाब्लो पिकासो एक बहुत ही रिफाइंड पेंटर थे, बट अक्सर लोगों को उनकी पेंटिंग समझ नहीं आती थी। पिकासो इस चीज से बहुत इरिटेट होकर अपने पास एक रिवॉल्वर रखते थे, जिसमें वो नकली गोलियां भी रखते थे। और जब भी उनसे कोई पूछता था कि उनकी पेंटिंग्स का क्या मतलब है, तो वो उस इंसान पर फायर कर देते थे। आप सोशल मीडिया पर तो एक्टिव जरूर रहते होंगे। वेल, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, एक एवरेज इंसान एक महीने में 25 घंटे फेसबुक, 12 घंटे इंस्टाग्राम, 6 घंटे स्नैपचैट और 3.5 घंटे ट्विटर पर बिताता है। क्या आपको बेचैनी या एंजाइटी है? साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने दुनिया का सबसे रिलैक्सिंग सॉन्ग फाइंड कर लिया है, जिसका नाम है वेटलेस बाय मैरकोनी यूनियन। और इस गाने ने सारे टेस्ट किए लोगों की एंजाइटी अप्रॉक्सीमेटली 65% गिरा दी। वन ऑफ द मोस्ट फेमस सोशल मीडिया ऐप इज इंस्टाग्राम, और धीरे धीरे इंस्टाग्राम फेसबुक को भी पीछे छोड़ रहा है। और यहाँ तक कि इंस्टाग्राम इतना फेमस हो गया कि लोगों ने अपने बच्चों का नाम इंस्टाग्राम के फिल्टर्स पर रख दिया है, और इनमें से सबसे फेमस फिल्टर नेम है लक्स। क्या आपके पास बिल्ली है? वेल, अगर नहीं भी है तो भी मैं आपको ये बता दूं कि एक जेनेटिक डिफेक्ट के कारण बिल्लियां मीठा टेस्ट नहीं कर सकती। मतलब आप किसी बिल्ली को चॉकलेट देकर अपने पास नहीं बुला सकते। आपने नेस्ले की किटकैट तो खाई होगी, या अपनी गर्लफ्रेंड को जरूर दी होगी। और इस चॉकलेट के मामले में जापान बहुत ही आगे है, और नेस्ले ने जापान में 200 से भी ज्यादा फ्लेवर्स की किटकैट बेची है, इंक्लूडिंग सोया सॉस, ग्रीन टी एंड बनाना। योनिंग यानी उबासी लेना बहुत कंटेजियस एक्टिविटी है, एंड अप्रॉक्सीमेटली 60% लोगों को जब योनिंग की वीडियो दिखाई गई तो उन्होंने यौन किया। इनफैक्ट केवल योनिंग के बारे में सोचने से ही आपको यौन आ सकती है, और चांसेस होंगे कि इस फैक्ट को देखते समय लगभग 50% व्यूअर्स ने यौन किया होगा। और अगर आप उन 50% में से हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
आप में से किसी किसी को मिर्ची पसंद होगी और एक ऐसा स्केल है जो मिर्ची के तीखेपन को नापता है और उसका नाम है स्कोविल स्केल। और आपके घर में पड़ी हरी मिर्च का तीखापन इस स्केल पर 70,000 स्कोविल यूनिट्स का है। और वहीं दुनिया की सबसे तीखी मिर्च कैरोलाइना रीपर का स्कोर इस स्केल पर 22,00,000 स्कोविल यूनिट्स का है। आप इस वीडियो को देखने के दौरान शायद अपने आप से बातें कर रहे होंगे और मैं आपको ये बता दूं कि अपने आप से बातें करना एक बेनिफिशियल एक्टिविटी है और ये चीज आपको ज्यादा इंटेलिजेंट बना सकती है और आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सही से तैयार भी कर सकती है। सो अगर आप अपने आप से बातें करेंगे तो इवेंचुअली आप एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर से लाइक कर दीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका सबसे फेवरेट फैक्ट इन 20 रैंडम फैक्ट्स में से कौन सा था। एंड अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजफुल वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। एंड लास्टली थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। माई नेम इज जेड एंड आई एम साइनिंग आउट।